ये हफ्ता टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए काफी दिलचस्प रहा है। बिग बॉस के 17वें सीजन का उसका विनर मिल चुका है। सोशल मीडिया पर कुणाल टेंडल और शिवांगी जोशी के प्यार के चर्चे हैं। वहीं दूसरी ओर महाभारत के भीष्म ने बताया कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या क्यों नहीं गए थे। मुबारक हो मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 के विनर बन गए हैं। मुनव्वर ने फिनाले में अभिषेक मनारा अंकिता को हराकर बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की। विजेता के तौर पर मुनव्वर ने ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए प्राइज मनी और एक ब्रांड न्यू क्रेटा गाड़ी जीती है। कमाल की बात यह है कि 28 जनवरी को मुनव्वर का बर्थडे भी था। उन्होंने अपने बर्थडे पर शायद ही इससे अच्छा तोहफा कुछ और मिल सकता है। पॉपुलर सीरियल बरसाते ऑफ एयर होने वाला है। शो में कुणाल टंडन और शिवांगी जोशी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों को खूब प्यार मिला। अक्सर दोनों का साथ देखा गया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अब तक दोनों एक्ट्रेस ने में से किसी ने भी कुछ कहा नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा में कई बड़े नेता अभिनेता और बिजनेसमैन शामिल हुए। टीवी के राम अरुण कोविल भी प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। अरुण कोविल अयोध्या गए जरूर थे लेकिन उन्हें श्री राम के दर्शन नहीं हो पाए, जिसका उन्होंने दुख भी जताया। इस मामले पर अपनी राय देते हुए महाभारत एक्टर ने कहा है कि अरुण जी ने ये तो नहीं बताया कि उन्हें दर्शन क्यों नहीं मिल पाए। धक्का मुक्की वजह रही होगी, इसलिए मैं भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया था।